प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ किस प्रकार से समझौता होता है, किस प्रकार से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब चूज करने होते हैं। तो ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियोस बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जब भी पढ़ें, व्हेन एवर यू वॉच प्रेम ज्ञान चैनल, तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं बर्बाद किया जाता, नौटंकी नहीं दिखाई जाती, मूवी नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर केवल और केवल ज्ञान की बात की जाती है, और ज्ञान तभी हासिल और अर्जित कर सकते हैं जब हम उसको क्या करें, सीखने की इच्छा रखें और नोट डाउन करते रहे। क्योंकि जब तक हम नोट नहीं करेंगे तो आगे भविष्य में हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको हम नहीं कर सकते। हम टेम्पररी कोई काम नहीं करते, हम परमानेंट काम करते हैं। तो चलिए, लाइए अपना पेन और नोटबुक और बैठ जाइए इत्मीनान से सीखने के लिए। पार्ट नंबर 4 है, और इसी पार्ट के साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स के जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, विल बी फिनिश्ड। समझ में आ रही है बात? तो कुल मिला के 27 से 28 ऐसे कंसेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब आ जाइए, हम पहले ही 15 रूल कर चुके हैं, आज हम 16 रूल की बात करेंगे। मतलब हर एक में मैंने तीन तीन कंसेप्ट्स बताए हुए हैं, पांच पांच, तो 15 हो चुके हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर, कंसेप्ट नंबर 16। क्या कहता है कि वेट, मेजर, अमाउंट और डिस्टेंस होता है तो हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब। हमेशा ही व्हेन एवर देयर इज मेंशन सम वेट, मेजरमेंट, अमाउंट एंड डिस्टेंस, तो आपको क्या लेना है अपने सेंटेंस बनाने में, सिंगुलर वर्ब लेना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कहता है 10 किलोमीटर्स। ये क्या है, देखो 10 किलोमीटर्स, नाम से तो ऐसे प्रतीत होता है कि ये प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल। बट ये मेजरमेंट जब भी होता है तो 10 किलोमीटर्स, मतलब कुल मिला के यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो इस सारे को हमने क्या बोला है, एक यूनिट मान लिया है, सिंगल क्वांटिटी मान लिया है। जब आपने सिंगल माना तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आए। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। समझ में आ रही बात? तो हम जब समय डिस्टेंस की बात करते हैं तो कुल मिला के वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, इट बिकम्स अ सिंगल एंटिटी, दैट्स व्हाई वी टेक सिंगुलर वर्ब। 500 रुपीज इज नॉट मच मनी, ठीक है ना, 500 रुपया, फिर से एक 500 का टुकड़ा है, 500 का नोट है, और उसके साथ क्या लाएगा, सिंगुलर। दिल्ली इज 250 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़, दिल्ली इज। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से जब भी हम मेजरमेंट की बात करेंगे, वी ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 17 क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन्स क्या हो, कलेक्टिव नाउन्स हो, प्लस में ऑफ हो, फिर प्लूरल नाउन हो, और उसके बाद हमेशा क्या लेंगे, दे'ल टेक सिंगुलर वर्ब। देख लीजिए कैसे, एग्जांपल से मान लीजिए मैंने बोला अ बंच ऑफ कीज, ये देखो कलेक्टिव, अब बंच आपने बोल दिया तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन्स हो गया, है ना, कलेक्टिव नाउन। और इस कलेक्टिव नाउन के साथ ये वर्ब जो है, इट इज प्लूरल, क्या है, प्लूरल, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑफ, कलेक्टिव नाउन प्लस में ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन हो, तो हमेशा क्या लेना है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ बंच ऑफ कीज। अरे देखिए, जैसे कि ये लच्छे हैं, चाबी के अलग अलग ये टुकड़े हैं, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो ये पूरा मिला के क्या है, एक ही तो है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इज, अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग अंडर द पिलो। अ सीरीज ऑफ लेक्चर, लेक्चर्स एक पूरी सीरीज है ना, एक पूरी सीरीज है, लेक्चर 1 2 3 4 5, ये पूरी सीरीज है, और इस पूरी सीरीज को एक बोलेंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आएगा, वोज। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वॉज डिलीवर्ड ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो कंसेप्ट सीखते रहिए, उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भरना है। नाउ इट्स टाइम
ऑफ कंसेप्ट नंबर 18 क्या कहता है, रूल नंबर 18 क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन एज अ होल, जब कलेक्टिव नाउन को हम क्या कंसीडर करेंगे, होल, एंड कलेक्टिव नाउन एज एन इंडिविजुअल। कभी कभी क्या होता है, जो कलेक्टिव नाउन होता है एक पूरा ग्रुप की तरह काम करता है, और कभी कभी क्या काम करता है, अकेले की तरह काम करता है। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, द कमिटी वॉज यूनैनिमस इन इट्स ओपिनियन। अब एकमत होना, एक कमिटी है, जजों की मान लो एक कमिटी है, यूनैनिमस मतलब एकमत होना, तो सभी मिलकर एकमत हो रहे हैं ना, तो इट बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन, सभी हो गए जज नंबर 1, 2, 3, सारे जज की जो जजमेंट है दैट बिकम्स यूनिक, और उसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, वोज, द कमिटी वोज यूनैनिमस इन, यहाँ पे फिर हमने क्या यूज किया है, इट्स यूज किया, अगर आप यहाँ पे देयर लिख देते हैं तो इट बिकम्स रोंग, तो द कमिटी वॉज यूनैनिमस इन इट्स ओपिनियन। द गवर्नमेंट हैज मेड सम मेजर चेंजेस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। गवर्नमेंट है, पूरी सरकार है, और सरकार एक होती है, और उसके साथ क्या आएगा, हैज, और हैज के साथ क्या आएगा, इट्स आएगा। द टीम ऑफ प्लेयर, एक टीम है पूरी, और टीम के अंदर प्लेयर है, देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स इन दैट टीम, तो जब टीम रिप्रेजेंट कर रही है तो एक रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, कितनी टीम आई है, तो पांच टीम आई है, अगर पांच टीम आई है तो अगर मान लीजिए क्रिकेट के अगर ओनली प्लेइंग 11 लेंगे तो ऑल दो देयर 55 प्लेयर्स बट टीम कितनी है, पांच है, तो पांच टीम में कितने प्लेयर हो हार्डली मैटर्स, लेकिन टीम तो एक ही काउंट की जाएगी, 1, 2, 3, और जब ये सिंगुलर हो जा रहे हैं तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि हम कलेक्टिव नाउन को हम क्या मान लेते हैं, इंडिविजुअल मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, मैनी टाइम्स वी कंसीडर कलेक्टिव नाउन एज एन इंडिविजुअल, क्या मान लेते हैं, इंडिविजुअल मान लेते हैं, कैसे, देखिए, द कमिटी, सेम वही है, फिर से वही सब्जेक्ट है, द कमिटी, अब यहां पे मैंने लिख दिया वर्ड, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, दीज आर जजेस, दीज आर द पैनल ऑफ जजेस, जजेस के पैनल हैं, और मान लीजिए यहाँ पे तीन जजेस हैं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए, नहीं कह रहे हैं, नहीं नेगेटिव देना चाहिए, ये कह रहे हैं पॉजिटिव, तो दीज ऑल आर डिफरेंट इन देयर ओपिनियन, है ना, ये तीन बंदे हैं और तीनों ही अपनी अपनी जजमेंट में डिफरेंट हैं, तो इसके लिए इस पूरी कमिटी, कमिटी तो एक है और एक, ये तीनों अलग अलग हैं और तीनों ही हलचल मचा रहे हैं, नहीं ऐसा करो वैसा करो, तो इट बिकम्स प्लूरल, दिस कमिटी नाउ बिकम्स प्लूरल नाउन, अगर सारे मिलके एक आते तो सिंगुलर हम लेते, लेकिन ये अलग अलग हो गए, दैट्स व्हाई विल टेक प्लूरल, सो द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, समझ में आ गई बात, ये वर है तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर। नेक्स्ट, द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीप, द पुलिस वर रनिंग, अब पुलिस की पूरी एक टुकड़ी है, लेकिन सारे इधर से पुलिस, इधर से सब एक चोर के पीछे भागम भाग हो रहे थे, तो इट मींस दे आर सेपरेट, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीप। द कंसेप्ट नंबर 19 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे, नेम ऑफ स्टेट कंट्री और इंस्टीट्यूशन टेक्स प्लूरल वर्ब, किसी देश की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, इट विल ऑलवेज टेक अ व्हाट, प्लूरल वर्ब। इंडिया हैव डिफीटेड पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को धोया, क्या किया, धोया, तो पाकिस्तान रोया, इंडिया हैव आ जाएगा, अभी नियम के अनुसार क्या बताया गया कि इंडिया हैव डिफीटेड पाकिस्तान, बाय पूरी एक कंट्री को दिखा रहा है, तो पूरी कंट्री को दिखा रहा है, तो इसमें हम क्या लेंगे, प्लूरल। ऑस्ट्रेलिया हैव वन द मैच, वहां के लोगों को संबोधित कर रहा है, यहाँ पे लोगों को संबोधित कर रहा है, तो इंडिया जीते, हम जीते, हमारे लोग जीते, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन व्हाट, प्लूरल, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से मैच करेंगे हम। रूल नंबर 20, रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनको सब्जेक्ट लेना है, सिंगुलर एंटीसीडेंट है, देन विल टेक सिंगुलर वर्ब, एंड इफ इट इज प्लूरल एंटीसीडेंट देन विल टेक प्लूरल वर्ब, कैसे, देखिए क्या कह रहे हैं, बैक बैक बैक,
आई हु एम योर फ्रेंड सिंगुलर है, ये क्या है सिंगुलर। अब सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही आप क्या लगाएंगे हेल्पिंग। आई एम योर फ्रेंड शुड बी इन्फॉर्म, आई हु जरूर आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का हु है ये आएगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा एम। आई एम द पर्सन हु हैज सेव्ड यू। आगे बात सुनिए, ये अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो आई हु एम द पर्सन हैड सेव्ड यू आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आई हु एम योर फ्रेंड शुड बी इन्फॉर्म। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिंगुलर रहेगा और रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, तो वही वन ऑफ द बेस्ट जब होता है ही इज द बेस्ट, द बेस्ट वन ही इज, कहते हैं ना भाई ही इज द। तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं तो हमेशा क्या होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नाउ रूल 21 सेज दिस दैट काइंड सॉर्ट टाइप ऑफ, ये सारा देखिए क्या आता है सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है सिंगुलर। दीज दोज काइंड सॉर्ट टाइप्स ऑफ, ये सारे किसको डिनोट कर रहे हैं, ये तो प्रपोजिशन हो गया, ये किसको डिनोट कर रहे हैं दीज ऑल डिनोट्स, ये क्या डिनोट कर रहे हैं प्लूरल को। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल इज आ गया, दिस टाइप ऑफ पीपल डू नॉट, ठीक है ना। अब पीपल आ गया तो पीपल क्या है प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे आप प्लूरल। दीज क्या आ गया दीज, ये एक्स्ट्रा लग गया। दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव गैजेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या लिख दिया आर अवेलेबल इन द मार्केट। नेक्स्ट रूल 23 सेज इट बी नाउन प्रोनाउन अगर हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया इट, बी का मतलब इज आ गया यहाँ पे आई, हु बोट दीज फ्लावर्स फॉर यू, इट इज आई हु बोट दीज फ्लावर्स फॉर यू, तो साथ में क्या आता है प्रोनाउन। इट इज दे, कई बार क्या होता है इन सभी के साथ जो प्रोनाउन आप लेते हैं तो क्या ले लेते हैं इट इज आई इट इज दे हु फर्निश्ड आवर हाउस। नेक्स्ट 24 क्या कहता है मोर देन वन प्लस, आपने जो फ्रेज यूज कर रहे हैं सबसे पहले आपने किससे स्टार्ट किया मोर देन वन लिखा, उसके बाद आपने प्लस का निशान लगाया, देन यू रोट सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, कुछ भी आ सकता है, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। दोनों में देखिए मोर देन वन है कि नहीं है, है मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन पर्संस, दिस इज सिंगुलर, क्या है ये सिंगुलर आ गया। बीन ऑनर्ड विद भाग, यहाँ पे हैज हैव अगर मान लीजिए इस्तेमाल करना तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हैज। मोर पर्संस देन वन, मोर पर्सन देन वन पर्सन, तो यहाँ पे क्या आ गया मोर आ गया, और मोर के साथ क्या आ गया पर्सन, पर्सन क्या है प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा है, समझ में आएगी बात। तो मोर पर्सन देन वन हैव बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न। प्यारे बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपने देखा तो ये मेरे पे उपकार नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने लिए, और कभी भी हमारी वीडियो देखें तो प्लीज डू सिट विद नोटबुक प्लस पेन एंड लिखिए उसको, सो डेट की देखो एक बार मेरी वीडियो देख लिए तो ये गारंटीड है कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नौटंकी तो है नहीं कि दोबारा देखोगे तो मजा आएगा, आपने एक बार शिद्दत से देख लिया समझ लिया एंड यू हैव नोटेड डाउन इन योर फेयर नोटबुक चाहे रफ नोटबुक, उसके बाद आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नोटबुक को देखेंगे तभी समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों शिद्दत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, और फीडबैक यदि आप कुछ अच्छा भला या बुरा जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, या बुरा कहना चाहते हैं तो हम सुधारेंगे कि और हम बेहतर क्या कर सकते हैं, और भला कहना चाहते हैं तो ऑलवेज वेलकम। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।